इस वीडियो में लॉजिकल वेन डायग्राम के प्रॉब्लम्स जो मेंटल एबिलिटी में आती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ऑप्शन दी जाती है, डायग्राम्स कुछ दिए जाते हैं जो वेन डायग्राम्स होते हैं वही, और उससे रिलेटेड कुछ आइटम्स दी जाती हैं, 1, 2, 3 लिविंग नॉन लिविंग कोडियोस। सिलोजिज्म से कंपैरिजन इसका जरूर कर लीजिए क्योंकि डिफरेंस ही डिफरेंस है। सिलोजिज्म में जो स्टेटमेंट दी हुई होती है, फॉर एग्जांपल ऑल टीचर्स आर टेबल, उसको सत्य मानना होता है। बेशक इंपीरिकली इन रियलिटी टीचर कोई भी टेबल नहीं होता, वहां जो स्टेटमेंट दी गई है उसको सत्य मानना हो। यहां पर ऐसा नहीं है, जो आइटम्स दी गई है इन रियलिटी में उनके जो रिलेशनशिप है आपस में, बेशक वो होल एंड पार्ट रिलेशनशिप है, बेशक वो पार्ट एंड पार्ट रिलेशनशिप है, बेशक उनका कोई रिलेशनशिप उन आइटम्स के दरमियान जो ये रिलेशनशिप आपने जज करना है, इवेल्युएट करना है, एनालाइज रियल लाइफ से करके देखना है और देखना है कि इनमें से कौन सा डायग्राम फिट होता है। वहां आपको 3, 4 या 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दी जाती है नॉर्मली। तो मैंने ये 9 की 9 जो ऑप्शन है डायग्राम की आपके सामने रखी है, एक बार ये क्लियर कर लो। सबसे पहले ये डायग्राम ये शो करता है कि जो आइटम ए है वो बी से कोई रिलेटेड नहीं है और सी से भी रिलेटेड नहीं है और सी भी ए से रिलेटेड नहीं है। फिगर 2 ये है, एक बड़ा सर्कल है, इट मींस के दोनों ए और बी जो हैं वो सी के पार्ट है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग में यहां पर ये लिखा है डॉक्टर है, यहां पर ये लिखा है कि इंजीनियर है, तो सभी दोनों ह्यूमन बीइंग है, दैट इज वाई बड़ा सर्कल बाहर है और दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है, इंजीनियर का और डॉक्टर का, है ना, ये आपने जज करना है भी ये रिलेशनशिप, वो तो वो अलग अलग सर्कल वो टच नहीं कर रहे। अच्छा, कई बार होता है, तीसरी फिगर कौन सी है कि ए पार्ट जो है वो बी का है और बी पार्ट सी का है, ऐसे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के मेरी फिंगर है, है ना, तो हैंड है तो बॉडी है, तो नेचुरली है फिंगर हैंड और बॉडी, तो उसका पार्ट का पार्ट है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि जो एक आइटम है, फॉर एग्जाम्पल के ह्यूमन बीइंग ही है, यहां पर ले लीजिए, एनिमल भी ले सकते हैं, तो ये ए और बी उसके पार्ट हैं, प्लस ए और बी का थोड़ा पार्ट जो है सम पार्ट कॉमन भी है, थोड़ा उनमें रिलेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग है, यहां पर मदर्स आ गई और सिस्टर्स आ गई, अब कुछ मदर सिस्टर भी हैं, है ना, लेकिन सभी जो मदर्स है और सिस्टर्स है वो ह्यूमन बीइंग है, ऐसे बन जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि ए बी का तो पार्ट है लेकिन ए सी का पार्ट नहीं है और सी ए का पार्ट नहीं है, ऐसी जो रिलेशनशिप है उसको डिपिक्ट करता है, इंप्लाई करता है ऐसा डायग्राम कि उसका पार्शियल ए बी का मैच ओवरलैप करेगा, ओके, और बी और सी का करेगा लेकिन सी और ए का कोई पार्ट एक दूसरे से नहीं मिलेगा। जैसे ईटेबल्स हैं, ईटेबल्स यहां आ गए और बनाना साथ में दिया गया है, ईटेबल्स का पार्ट है बनाना, यहां आ गया तीसरा कर्ड है वो भी पार्ट है, लेकिन बनाना और कर्ड आपस में मैच नहीं करते लेकिन दोनों ही ईटेबल्स हैं, तो ये सेंटर में ईटेबल्स आ गया और ये कर्ड और बनाना आ गया। ऐसे भी ट्रिपल ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ए बी सी डी उनका कुछ भाग आपस में तीनों का मैच कर रहा है, ए का बी से भी कुछ पार्ट मैच कर रहा है, रिलेटेड है, और बी का सी से भी मैच कर रहा है और सी का ए से भी है, और एक पार्ट सेंट्रल वाला ऐसा होता है जो ए बी और सी तीनों का कॉमन है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं गर्ल्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं और प्लेयर्स हैं। अब देखिए आप स्कूल में के कुछ गर्ल्स स्टूडेंट है ये कॉमन आएगा, स्टूडेंट्स प्लेयर है कॉमन आएगा, और कुछ प्लेयर गर्ल्स हैं ये भी आएगा। अच्छा, कुछ गर्ल्स प्लेयर भी हैं स्टूडेंट्स भी हैं ये कॉमन भी आएगा। तो ऐसी ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, एग्जांपल को सिर्फ याद रखिए। बेशक अगला वीडियो जो मैंने सॉल्व करनी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है मत देखिए, इतने को रिकॉल अपनी एक एग्जांपल अपने माइंड में सेट वही कर लीजिए।
नेक्स्ट है फिगर नंबर 7। तो ए बी का पार्ट है लेकिन ए और बी दोनों ही आपस में रिलेटेड नहीं है, सी के पार्ट वो नहीं है। यहां एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग आ गए है ना, ह्यूमन बीइंग बीच में कोई ला लीजिए आप ह्यूमन बीइंग, जो टीचर्स हैं यहाँ टीचर्स आ गए, इट मींस सभी टीचर्स जो ह्यूमन बीइंग हैं। तो इधर आप टेबल लिख लीजिए टेबल, तो देखिए ये आइटम जो है इन दोनों से रिलेटेड नहीं है, ना टीचर टेबल है ना ह्यूमन बीइंग टेबल है, लेकिन ह्यूमन बीइंग टीचर है। नेक्स्ट फिगर है 8। तो ए बी का पार्ट है लेकिन सी का पार्ट भी पार्शली है, ए और बी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने लिख लिया सिस्टर्स, कलर चेंज कर लो सिस्टर्स, ओके। तो ये बड़ा साइकिल हो गया फीमेल का, सभी सिस्टर्स फीमेल हैं, ये हो गया। और ये तीसरा पार्ट हो गया टीचर्स, मान लीजिए अब कुछ फीमेल टीचर भी हैं और कुछ टीचर्स सिस्टर भी हैं किसी की तो ऐसे फिगर 8 रिप्रेजेंट करेगी। लास्ट है फिगर 9। ए और बी तो आपस में पार्शियली रिलेटेड हैं लेकिन सी से वो रिलेटेड नहीं। इसके एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ये टीचर्स हैं और ये मेल हैं, इट मींस कुछ टीचर मेल हैं। और इधर आप लिख लीजिए टेबल, फिर टेबल के आइटम ना टेबल मेल है ना टेबल टीचर है। तो ये 9 फिगर रिप्रेजेंट करती हैं। हम एक्सरसाइज करेंगे, इसको उड़ा देंगे। अब ये रहा फर्स्ट है डॉक्टर इंजीनियर लायर। आपको लगता है कि कुछ डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, बिल्कुल प्रोफेशन डिफरेंट है, कुछ डॉक्टर लायर होते हैं। जहां तो आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या लायर हो, इट मींस कोई भी आइटम आपस में मैच नहीं करती। तो यहां पर कौन सा बनेगा सर्कल के आपस में मैच ना करने वाला, यहां से आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन सा है जिसका कोई आपस में जो है पार्ट टच नहीं कर रहा, वो बनता है फिगर ए। ठीक है, कोई भी टच नहीं कर रहा, इजीली आइडेंटिफाइबल है। अब ये देखिए डॉग्स पेट्स कैट्स, पेट्स जो है पालतू हैं, क्या डॉग्स भी पाली जाते, डॉग भी पाले जाते हैं, कैट भी पाले जाते हैं। अमेरिका में कैट्स है ना पेट है, और इंडिया में अमेरिका में डॉग्स दोनों। तो इसके आधार पर आपको क्या लगेगा, आप यहां पर अपने मन में जहां वहां शीट पर डायग्राम बना सकते हो कि ये पेट जो है ये तो बन गए। हाँ, उनमें से कुछ कैट्स हैं, ठीक है, और कुछ उनमें से डॉग्स हैं। ये क्यों पेट्स और कैट्स हैं, ये पेट्स हैं, ये डॉग और ये आपस में क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉग जो है कैट नहीं है। दैट इज वाई ये आपने देखना है कि कौन सी आइटम जो है 100% दूसरी से अलग है। यहां पर कैट कोई भी डॉग नहीं हो सकती, हाँ दोनों लेकिन पार्शली वो भी पेट है थोड़े, ठीक है, वो भी पेट है, पेट के पार्ट। अच्छा ये पार्ट क्यों नहीं है, ये भी सोच सकते हो कि सारे डॉग पेट है, नहीं कुछ है, या सारी कैट्स पेट है, नहीं कुछ है। फिगर 5 यहां राइट आंसर था। क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एजुकेटेड पर्सन। अच्छा अब है क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये है 1 2 और एजुकेटेड पर्सन 3। तो आपने ये देखना है कि क्लर्क का गवर्नमेंट एम्प्लॉई से रिश्ता है, ये कैसे देखना है, ऑल का भी देखना है कि क्या ऑल सारे क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या सम क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। नेचुरली जो क्लर्क है आपको पता है वो प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी है, इट मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय और क्लर्क जो है पार्शली ऐसे बनेगा, ऐसे आधा टच करेंगे। यहां लिखोगे क्लर्क, यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब तीसरा देखना है कि एजुकेटेड पर्सन। अब आपको लगता है कि क्लर्क के लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है, अगर लेनी नहीं लेनी पड़ती तो आप सर्कल बाहर लगा दोगे, अगर लेनी पड़ती है तो आपको पता है तो आप यहां टच कर दोगे। दूसरा आप देखोगे कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई जितने हैं उन सभी को एजुकेशन लेनी पड़ती है, आप देखोगे यार कोई अनपढ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो इट मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी एजुकेटेड चाहिए और ये भी चाहिए। अब ये देखना है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो
क्लर्क भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और एजुकेटेड पर्सन भी है। यस, जो क्लर्क गवर्नमेंट क्लर्क है और वो एजुकेटेड भी है तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। इट मीन्स ये बेस्ट रिप्रेजेंट हमें लग रहा है कर रहा है। अगर आपको साथ में ऑप्शन ये दी गई है तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे? आप देखोगे क्या इनमें से कोई होल पार्ट है, क्या सारे एजुकेटेड पर्सन क्लर्क या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नहीं, क्योंकि सारे ये मान लीजिए आपने एजुकेटेड का बना लिया है ना, आपको बड़ा लगा भी सभी एजुकेटेड जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय या क्लर्क है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? सभी जो ये पार्ट एजुकेटेड पर्सन का है वो अनएम्प्लॉयड भी तो है ना, तो इसलिए सभी एम्प्लॉयड नहीं। अच्छा, सभी क्लर्क हैं, ये ऐसा भी नहीं है, कोई टीचर भी है या कोई इंजीनियर भी है और भी कुछ है। दैट इज वाई ये होल पार्ट का रिलेशनशिप इन तीनों का दिखाई नहीं देता। हाँ, ये आपस में ये दिखाई दे सकता है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन होल एंड पार्ट का नहीं दिखाई देता। अच्छा, तीसरा, क्या ये ऑप्शन दी गई है, क्या इनमें से कोई किसी को अलग पूरा सेपरेट किया जा सकता है क्लर्क एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेशन के बिना? नहीं, बात नहीं बनती। अच्छा, एजुकेटेड और क्लर्क इकट्ठे हैं लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परे कर दिया? नहीं यार, क्लर्क भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। अच्छा, क्लर्क को परे कर दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एजुकेशन को इकट्ठा रख लिया, ऐसे भी बात नहीं बन रही, क्योंकि क्लर्क कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, एजुकेटेड भी है। तो अगर ऐसी ये दी गई है आपको, पहले आपने देखना है कि ए और बी का होल और पार्ट का रिलेशनशिप है कोई, सभी जो है क्लर्क एजुकेटेड है ऐसा, या सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एजुकेटेड है, सभी नहीं है, कुछ नहीं भी है, तो ये ऐसे बना के देखते हैं होल एंड पार्ट को। ये देखना है कि उसको अगर रिजेक्ट एक्सेप्ट करना है, क्या सभी क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, ये नहीं बना, रिजेक्ट हो गया। क्या सभी क्लर्क जो है एजुकेटेड है, ऑल क्लर्क का एजुकेटेड? अच्छा, यहाँ ये कंफ्यूजन भी है, क्या सभी क्लर्क एजुकेटेड है? अगर अब हमें ये नहीं पता कि एजुकेटेड की डेफिनेशन 10th पास से ज्यादा लग रहे हैं, 10th पास को इलिटरेट मान रहे हैं या 5th वाले को इलिटरेट मान रहे हैं, इट मीन्स सभी फिर क्लर्क एजुकेटेड नहीं होंगे, लेकिन होल पार्ट का रिलेशनशिप कम दिखाई दे रहा है। तीसरा करके देख सकते हो कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एजुकेटेड है, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड यहाँ लिखिए और एजुकेटेड यहाँ पर लिखिए, तो वहां पर जो पीएन है, पुराने पीएन लगे हुए जिनके जिन्होंने कुछ भी नहीं, स्वीपर है, हाँ ये देख सकते हो, स्वीपर को हमने भूल गए थे, स्वीपर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो एजुकेटेड नहीं है, तो ये नहीं आ सकता है ना। मतलब सभी एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एजुकेटेड नहीं है, यहाँ क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि स्वीपर जो है वो एजुकेटेड नहीं है लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो ऐसे कंपैरिजन किए जा सकते हैं होल एंड पार्ट। और किसी के पास किसी के साथ आपको कंफ्यूजन कोई लगती है, देख सकते हो आप, क्योंकि होल पार्ट वाला कोई रिलेशन नहीं आया, इसलिए होल पार्ट वाला ये भी रिजेक्ट कर दिया हमने, ये भी रिजेक्ट कर दिया, 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 ये पार्ट पार्ट वाले रिलेशनशिप है, इसलिए उस पर ही फोकस करोगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है, नंबर एक डॉक्टर, दूसरा ह्यूमन बीइंग्स, तीसरा कैट्स। क्या सभी डॉक्टर जो ह्यूमन बीइंग है, जब कुछ डॉक्टर ह्यूमन बीइंग है, हमें पता है कि सभी डॉक्टर या के डॉक्टर ह्यूमन बीइंग है, इट मीन्स होल पार्ट रिलेशनशिप एग्जैक्ट दिखाई दे गया। आप होल एंड पार्ट पर रिलेशनशिप पर फोकस करोगे, बाकियों को डिलीट कर दोगे जो भी इसके बिना वाले हैं, जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, है ना, ये वाले डिलीट कर दोगे। अब ये देखना है कि कैट, कोई कैट डॉक्टर है, कोई कैट ह्यूमन बीइंग है, नहीं मिल रहा, अलग से है तो कैट से ये बन गया। देखिए ऐसा कौन सा है, ये वाला फिगर 7 इज राइट आंसर। अच्छा, आइटम 1, 2, 3 स्पष्ट है कि क्या सभी इंजीनियर ह्यूमन बीइंग है, पिछले वाली प्रॉब्लम साफ दिखाई देती है, इंजीनियर है, ये हो गए ह्यूमन बीइंग है सारे, और इनमें से कोई रेड है, नहीं है कोई ह्यूमन बीइंग है, रेड डिफरेंट आ गया, ये भी फिगर 7 है, राइट आंसर इज 7। अच्छा, मैन टीचर एंड गार्डन, अब क्या सारे टीचर मैन है, ये रहा मैन बना लिया,
एम, और क्या सारे के सारे मेल पर्सन जो है मैन जो है वो टीचर है? नहीं, कुछ है जी, ये बना लिया टीचर का, इट मीन्स एक ये बनेगा। दूसरा, क्या सभी मेल गार्डन है या टीचर है? नहीं जी, कुछ नहीं है, थर्ड अलग बनेगा, है ना, गार्डन का। दो ओवरलैप कर रहे हैं, एक गार्डन है, कौन सा है? दो ओवरलैप कर रहे हैं, एक डिफरेंस है। फिगर 9 इज राइट आंसर, दो ओवरलैप कर रहे हैं और क्या नहीं है कुछ। सेकेंड, मिनट्स एंड आवर्स, तो क्या सेकेंड मिनट का पार्ट है? यस, सेकेंड बीच में आ गए, मिनट यहां आ गए। क्या मिनट आवर का पार्ट है? यस है, सीधा राइट आंसर इज फिगर 3। नेक्स्ट है टेबल चेयर एंड फर्नीचर। अच्छा, हमें ये पता है कि फर्नीचर, टेबल भी फर्नीचर है और चेयर भी फर्नीचर है, इट मींस बड़े के दो पार्ट हैं ये, इस बड़े सर्कल में छोटे को रखोगे। तो दूसरा साथ में ये देखना है कि ये आपस में कुछ जो टेबल है चेयर है, जब कुछ चेयर टेबल है, जब ऑल टेबल चेयर है नहीं है, कुछ टेबल चेयर है नहीं है, कुछ टेबल चेयर है नहीं है, है सब कुछ नहीं मिल रहा, इट मीन ये दो सर्कल डिफरेंट बन रहे हैं, ये बन गया टेबल और ये बन गया चेयर, है ना। तो ये दोनों फर्नीचर है, यस ये दोनों फर्नीचर है जी, ये बन गया फर्नीचर, ये बड़े सर्कल में दो अलग, ये रहा बड़ा सर्कल, फिगर 2 इज राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है मेल्स फादर्स एंड ब्रदर्स। अब कोई भी फीमेल नहीं है या सिस्टर नहीं है, मदर नहीं है, इट मींस ये दोनों जो है बड़ा सर्कल आ गया कि ये हो गए मेल, और बीच में फादर्स और ब्रदर्स आएंगे। अब ये देखना है कि फादर्स और ब्रदर्स ये अलग अलग आएंगे जहां ये ऐसे ओवरलैपिंग होंगी। कुछ फादर ब्रदर हैं, कुछ ब्रदर जो किसी के हैं वो फादर हैं, यस हैं, ऐसे नहीं है तो कोई ब्रदर फादर नहीं है या कोई फादर ब्रदर नहीं है, लेकिन सारे मेल हैं, ये बड़ा सर्कल बाहर आ गया, मेल हो गया। और ये राइट वाला क्या बनेगा, रब करके दोबारा बनाता हूं, ये बन गया आपका सबसे पहले बड़े वाला मेल, और ये हो गया मेल, और उसके बीच में आ गए ये फादर, है ना, कुछ फादर ब्रदर हैं, ये ब्रदर हो गया, ये मेल हो गया, राइट आंसर ये आएगा। ये हमारा फिगर, ये बड़ी नजदीक मिल गई, फिगर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है लैंग्वेजेस फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये आपको क्लियर है, वेरी क्लियर, कि दोनों ही लैंग्वेजेस हैं, इट मींस होल पार्ट रिलेशनशिप स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां पर ये रहा आपका होल लैंग्वेज आ गई, और फ्रेंच हान और जर्मन ये अब ऐसे आएंगे जहां फिर ये ओवरलैप करेंगे। क्या आपको लगता है कि फ्रेंच का कुछ पार्ट जर्मन का है और जर्मन लैंग्वेज का कुछ पार्ट फ्रेंच का है? अगर आपको ये नॉलेज है कि ये टोटली डिफरेंट है, तो ये वाला आएगा यहां पर फ्रेंच और ये जर्मन, इसको दोबारा बना ले। हाँ, कुछ पार्ट इनका ऐसे नहीं है मैच कर रहा, दोनों सेपरेट लैंग्वेजेस हैं। दोबारा से बना ले इनको कि कौन सा फिगर बनती है इसकी। ये रहा लैंग्वेज एल, और ये रहा फ्रेंच, और उसका पार्ट नहीं है, रिलेटेड नहीं है, जर्मन अलग है। ये वाली फिगर कौन सी आई? ये आ गई फिगर 2। तो मैंने कोशिश किया कि हर तरह की फिगर रिप्रेजेंट हो। है टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए, स्टूडेंट्स क्लियर है, क्रिकेट प्लेयर्स क्लियर है, तो यहाँ पर क्रिकेट प्लेयर वो नहीं ले लेने जो नेशनल इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, क्रिकेट प्लेयर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं ना। तो टेनिस को उनमें से कोई लाइक करता होगा, कुछ लाइक करते क्यों नहीं हो सकते, आप क्रिकेटर हो तो आपका ये तो नहीं मतलब कि सभी क्रिकेटर को ही लाइक करते हैं। इट मींस जो स्टूडेंट्स है, सबसे पहले सबसे आसान वाली टर्म उठा लीजिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो क्रिकेटर हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। तो जो स्टूडेंट हैं, क्या वो टेनिस के भी फैन है? यस, क्यों नहीं हो सकते, कुछ पार्ट हो सकता है। क्या ये हो गया ये वाला, तो अब ये देखना है कि क्या क्रिकेटर भी जो है
टेनिस फैन है, ये भी पॉसिबल है यार, ये तो बन रहा है। इट मीन्स कुछ पार्ट होगा जो स्टूडेंट्स भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और टेनिस फैन भी है, वो भी बन रहा है। और से किसी से कंपेरिजन करना है, कंफ्यूजन हो रही है, आप में कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हो। अच्छा, ऐसे होल पार्ट तो नहीं है कि वो ऑल स्टूडेंट्स आर क्रिकेटर, नहीं है ना, गलत हो गया। ऑल स्टूडेंट्स आर टेनिस फैन, नहीं है ना, गलत हो गया ना। तो दूसरा है ऑल टेनिस फैन आर क्रिकेटर, ऐसे भी नहीं है। होल पार्ट तो कोई भी नहीं बन रहा, तो ओवरलैपिंग वाला बन रहा है। इट मीन्स होल पार्ट वाला आप वैसे डिलीट जल्दी कर दीजिए, कोई भी होल पार्ट वाला नहीं बन रहा। अच्छा, ये क्यों नहीं बन रहा, अगर ये देखना है तो क्या ऐसे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बना के देखे कि ये स्टूडेंट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट है तो ये क्रिकेटर है, ये टेनिस फैन है। आप ये करके देख लीजिए, क्या कुछ स्टूडेंट टेनिस फैन है, कुछ क्रिकेटर है, ऐसे हैं? मतलब कि कुछ टेनिस फैन जो क्रिकेटर नहीं है, हो सकते हैं रियलिटी में है, और कुछ जो क्रिकेटर हैं वो टेनिस फैन नहीं है, है। दैट इज वाई ये फिगर ठीक नहीं है, क्योंकि ये इनके रिलेशन को परे करती है। लेकिन ये फिगर तीनों के रिलेशन को कॉमन रिप्रेजेंट कर रही है, कि कॉमन एरिया भी इनमें है। तो अगर सेपरेशन वाला देखना है कि यार जो ऐसे है कि कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं है, कोई भी स्टूडेंट टेनिस फैन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट क्रिकेटर नहीं है, कोई भी क्रिकेटर स्टूडेंट नहीं है, कोई भी टेनिस फैन स्टूडेंट नहीं है, ऐसे कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ऐसे बिल्कुल सेपरेशन वाला भी नहीं आएगा। तो पूरा होल पार्ट तो मिला ही नहीं है, दैट इज वाई राइट आंसर इज हमारा जो ये बन रहा है, कौन सा, ये रहा फिगर सिक्स इज राइट आंसर फॉर टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट है मैन, प्लांट्स, एनिमल। अब कंफ्यूजन होगी आपको, ये देख लीजिए कि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्लांट हैं, या कुछ प्लांट्स एनिमल हैं, जहां सभी प्लांट्स एनिमल हैं, या सभी एनिमल्स प्लांट हैं, कुछ भी नहीं है, ये आपस में सेपरेट हैं। ये रहे प्लांट, ओके, ये रहे एनिमल। अब है कि क्या कुछ मैन एनिमल हैं, या कुछ एनिमल मैन हैं। जब वो डेफिनेशन करते हैं कौन है अरिस्टोटल, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो उसको एनिमल बोला गया है, नहीं शायद रैशनल एनिमल अरिस्टोटल ने बोला है। तो दो डेफिनेशन है, एक कहते हैं ये सोशल एनिमल है, और दूसरा है कि ये है रैशनल एनिमल, ठीक है, दोनों ने यही कहा है। तो इट मीन्स हम एनिमल है। तीसरी, जब अनकॉन्शियस माइंड की बात आती है, तो जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वही ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। चौथा, एवोल्यूशन की थ्योरी क्या कह रही है कि हम किससे बने। चार प्रूफ ये आ गए कि जिससे ये पता चलता है कि एनिमल और मैन में रिलेशनशिप है। सभी मैन वो एनिमल का पार्ट है, या सभी एनिमल मैन का पार्ट है, मेरे ख्याल में सभी मैन जो है एनिमल का पार्ट है। देखिए, आपको किसी न किसी वक्त एनिमल की तरह बिहेवियर हमारा होता है। सोशलाइजेशन क्या है, उसी को कंट्रोल करना है ना, तो ये एनिमल है, इसका पार्ट जो है मैन हो जाएगा, मेरे ख्याल में ये फिगर बनेगी। प्लांट्स डिफरेंट है, ऑल मैन आर एनिमल्स, तो लेकिन आपस में ये सेपरेट है। तो ऐसा कौन सी फिगर है, उसको हम क्लिक करेंगे, और ये रही हाँ फिगर सेवन इज राइट आंसर। तो कंक्लूजन क्या है कि जो भी आइटम दी गई हैं, उनके आपको रियल रिलेशनशिप पता होने चाहिए, उन रिलेशन को इवेल्युएट करने के लिए एनालाइज कीजिए, एनालिसिस करना पड़ता है। क्या एजुकेटेड क्लर्क है, क्या प्लांट एनिमल है, क्या हम एनिमल में आते हैं, यस, हम प्लांट में नहीं आते। ये जो आपकी रियल नॉलेज है, वर्ड की नॉलेज है, उसको एनालाइज करने के लिए है। उसको आप डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हो, या वो रिलेशनशिप होल एंड पार्ट है, या पार्शियल रिलेशनशिप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो, इसके लिए ये है। कोई भी इसके रिगार्डिंग कमेंट हो, या मेरे लिए सुजेशन हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज, थैंक यू।